a team of faculties who teach in IGRA IAS. So for me, it is almost like a homecoming. मेरे लिए ये घर जैसा ही है, ठीक है? जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, I feel at home. और IGRA IAS पुणे, you know this, this is a hub, the entire coaching industry market. And particularly for civil service exam, the kind of faculty team what you have, they are experts in their own domains. I am here for environment ecology and science and technology. Today we will do environment ecology. Right? We'll do the environment part. And tomorrow I am going to take the science and technology. Okay? Environment is a very important subject. And for both type of students, those who are going to appear this year exam, prelims 2023, or those who are trying for next year, or even after that. Right? These are the subject which will help you qualify prelims exam. I'll just give you an example. You know, the last year topper, she comes from history optional, right? Even before that, a boy from Katihar, Shubham Kumar, right? He was my student, and just after the result was announced, right, we talked to each other. And I asked, and he told me very clearly, every year he was qualifying prelims exam with two subjects, giving the edge. One is environment ecology. Every year you have 15, at least 15 questions on environment. And second was the science and technology. And both are dynamic. You have a theory with current affairs. Current affairs become very important. How to deal with these two subjects requires a very different approach. Right? Abhi aajkal kya hai ki bahut sare educators aa gaye hain. अगर आप देखें, बहुत सारे एजुकेटर्स अभी आजकल आ गए हैं. यूट्यूब क्या हो गया है, एक तरह का इट हैज़ बिकम लाइक अ कंप्लीट मार्केट ऑनलाइन एंड एवरीथिंग देयर. साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगेन, एनवायरनमेंट, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल यू नो टीचिंग दोज एरियाज. बट आई एम फाइंडिंग समथिंग विच इज़ मिसिंग देयर. कुछ तो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा वैक्यूम में देखता हूँ. और आप देखना, इस साल के पेपर में देखना, अभी 28 मई को व्हेन द एग्जाम विल बी कंडक्टेड, यू योरसेल्फ विल रियलाइज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूपीएससी एंड व्हाट हैव बीन देयर इन द यूट्यूब चैनल और करंट अफेयर मटेरियल्स एंड ऑल. यू विल कंपेयर योरसेल्फ. हर साल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जो जिनका नेचर बदल रहा है. वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है. मतलब जब मैं कोई भी करंट अफेयर मटेरियल देखता हूँ, जब मैं कोई भी चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, है ना, तो मुझे लगता है कि दिस आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. एंड आई एम टेलिंग यू, दोज हु आर गोइंग टू अपेयर दिस ईयर एग्जाम, बी केयरफुल. मेरा कि यही वर्ड है, बी केयरफुल. यू टू बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बट यूपीएससी इज लॉट ऑफ डिफरेंट. दे हैव आइडियाज, उनको पता है कि क्या फीड कर रहे हैं. उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कहाँ पे क्या चीज़ें फीड किया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज़ें मार्केट में चल रहा है. दे आर अवेयर ऑफ इट एंड दे हैव टू मेंटेन द कंपटीशन. अराउंड 11-12 लाख पीपल आर देयर हु आर फिलिंग अप द फॉर्म्स. 5 से 6 लाख लोग अभी एग्ज़ाम देंगे, उनमें से उनको सेलेक्ट करना है. जितनी भी वैकेंसी होती 20-22 times प्रिलिम्स क्वालिफाई होते हैं, तो हाउ दे विल मेंटेन द कॉम्पिटिशन. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलर वेबसाइट्स रीड करंट अफेयर्स ऑन एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट अगेन यूज योर ब्रेन, डोंट गेट ब्लाइंडेड. मेरा कहना है आप अंधे मत हो जाओ जो बाकी लोग कर रहे हैं ना, भीड़ चाल, एक रैट रेस जो चल रहा है, वो नहीं करना है. मैं तरीका बताऊँगा हाउ टू गो अबाउट इट. अब प्रॉब्लम क्या है कि अब लास्ट मंथ आ चुका है, अप्रैल मई दो ही टाइम है. नाउ यू कैन नॉट डू वन ईयर बैक का जो है, वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव प्रिपेयर्ड. अब आपको ये करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम, हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर द क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पैनिक नहीं करना है. मैंने इसलिए बताया कि बी केयरफुल, बट यू डोंट हैव टू पैनिक, है ना. पैनिक नहीं करना है. We are all there to help you out.
मेरा यहाँ पर आना, मैंने फैजल को मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू कम फॉर टू डेज टू पुणे एंड आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स. मेरा यहाँ आने का मेन पर्पस वही है, टू हेल्प यू आउट. ठीक है, ऑनलाइन और वीडियो जो जितने भी आपने रिव्यू किया होगा वो एक चीज़ है. यहाँ क्लासरूम में जब टीचर आपके सामने होता है और जब आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो उसका अलग डायमेंशन होता है. तो मेरा यहाँ आने का मेन पर्पस है टू मेक यू कम्फर्टेबल, यू आर अ वेरी वेरी कम्फर्टेबल, और ये दो सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो, है ना, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है. तो आज भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, कल भी करेंगे, तो ये सब्जेक्ट विल बिकम लाइक अ केक वॉक, ईजी वॉक, यू वॉन्ट हैव टू बी वरीड अबाउट इट. सो वॉट आई एम गोइंग टू डू हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सिंस वी हैव नॉट मेट अर्लियर, नाउ आई एम हियर एंड वी आर हैविंग ऑल दोज इंटरेक्शन पार्ट ऑफ इट देयर. सो वॉट आई डू हियर, लेट मी राइट समथिंग हियर, देन वी विल गेट इन टू ऑल द डिस्कशन फॉर्म देयर. सो इफ यू लेक टेक इन्वायरमेंट अराउंड मिनिमम आई एम टेकिंग ओवर, इट कैन वेरी देयर, 15 क्वेश्चंस आर देयर इन प्रीलिम्स एग्जाम. इन मेन एग्जाम यू हैव अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन इन GS3 पेपर. सो विल फोकस राइट ऑन प्रीलिम्स एग्जाम, दैट इज द फर्स्ट. मेन्स के लिए तो मैं फिर आऊँगा, अब तो मेरा पुणे आना जाना लगा है कंटिन्यूसली, साल भर में कई बार मेरे विजिट होंगे, तो मेन्स का हम लोग देख लेंगे बाद में. प्रीलिम्स का हम लोग इसमें अराउंड 15 क्वेश्चंस इसमें आएगा. ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो एक पार्ट है थ्योरी जो सिलेबस कवर करता है ना, ये सिलेबस हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, दूसरा जो पार्ट है जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, जितने भी करंट एस्पेक्ट्स हैं वो महासागर है, उसका कोई एंड नहीं है. सिलेबस की बाउंड्री होती है, एक बार आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वो चेंज नहीं होने वाला है ना. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी इज़ बायोडाइवर्सिटी, आप उसका कुछ और जो है अलग चीज़ें आप नहीं कर सकते. क्लाइमेट चेंज क्या होता है, पोल्यूशन क्या है, वो कंसेप्ट फिक्स्ड है. ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स में हर दिन न्यूज़पेपर में कुछ नया होता है, समथिंग इज न्यू, तो वहाँ तो हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो चैलेंज यहाँ पर है कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को हम करंट एस्पेक्ट से कैसे तैयार करें, वो एक चैलेंज बनता है. ठीक है, मैं आई हेल्प यू आउट, आई गो स्लोली स्टेप वाइज. सो ये जो पार्ट है ये डायनामिक है, चेंजेबल है, और यही UPSC के लिए तलवार है ना, यही चीज़ है. हर साल क्वेश्चन, जैसे 15 क्वेश्चन है तो मान के चलो कि 8 से 10 क्वेश्चन तो करंट ही होगा ही, 4-5 क्वेश्चन थ्योरी वाले होंगे, स्टैटिक पार्ट, तो तलवार यही है उनके पास. और हर साल वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एवरी ईयर द एक्सपेरिमेंट विद द करंट अफेयर्स, कुछ भी इन्वायरमेंट के करंट एस्पेक्ट वो घुमा फिरा कर पूछेंगे, वेदर से वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, ओजोन लेयर, या इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन मैटर्स, और लेट्स से स्पीसीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, सेंचुरी, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, तो विल सी इसको कैसे हमें डील करना है. पहला पार्ट जो स्टैटिक पार्ट जो है, ये जो स्टैटिक जो नेचर है, यू ऑल नो दैट, पहला इसका स्टार्ट होता है NCERT बुक से. कहाँ पर NCERT बुक में इन्वायरमेंट दिया होता है, ज्योग्राफी में भी है. ठीक है, और कहाँ पर होता है बताओ, बायोलॉजी वाली बुक में, 12th की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, यूनिट 10 नंबर, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16. अब वहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए. ठीक है, वेदर इट इज़ रेलेवेंट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम, हाउ मच वेटेज वन मस्ट गिव दिस 4 चैप्टर्स. मेरा इसमें दो ओपिनियन है. अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर, आपको इन्वायरमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो ठीक है चलो वहाँ से स्टार्ट कर दिया. लेकिन आज के टाइम में क्या है, स्कूल्स, कॉलेजेस,
EBS पेपर होता है, होता है ना, आजकल स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड क्या होता है ना, ये वर्ड नहीं पता है। पता ही ये कुछ बायोडाइवर्सिटी पता है, फ्लोरा एंड फौना एंड ऑल दिस, यू हैव सर्टेन आइडिया, ऐसा तो नहीं है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज स्टूडेंट्स को है, तो उसमें क्या करना है कि एनसीईआरटी का, जो मेरा दूसरा ओपिनियन ये है, अगर किसी मटेरियल में, किसी बुक में वो कंसेप्ट कवर हो गया है, देन यू कैन स्किप, है ना, तब स्किप कर सकते हो आप। अगर आपका पढ़ा हुआ है, सब कुछ है और वो चीज़ कवर हो रहा है, मेरा कहना ये है कि यू मस्ट नॉट डुप्लीकेट योर एफर्ट्स, है ना। या तो यू आर राइट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो लेवल, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, और यू आर गोइंग फॉर अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट इन वन मटेरियल एंड लर्निंग ऑल दोज कंसेप्ट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक बार रीडिंग जरूर कर लो। रीडिंग करने से क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली उसमें क्या दिया हुआ है, कंटेंट क्या है ना। रीड करने से ये होता है कि आपको पता चाहिए ये टॉपिक्स दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी का वो बुक नॉट रिवाइज नहीं हुआ है ना, अपडेट नहीं हुआ है, उसमें जो फैक्ट्स हैं आउटडेटेड है, कंसेप्ट ठीक है लेकिन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो पुराना हो चुका है। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, प्रेजेंटली देयर 36 आर देयर, एनसीईआरटी में भी 25 दिया हुआ है। एनसीईआरटी में इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कितने इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं अभी प्रेजेंट? व्हाट इज हॉटस्पॉट, व्हाट इज हॉटस्पॉट, नहीं नहीं मैडम, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एरियाज, व्हाट इज हॉटस्पॉट, व्हाट इज योर नेम, आरती, हाँ क्या है, कोई भी बताओ क्लास में, हॉटस्पॉट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मैं इसको यही टॉपिक को मैं समझाता हूँ मैं, कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो बायोलॉजी वाली बुक है वहाँ भी दिया हुआ है, ये टॉपिक जो है वहाँ भी दिया हुआ है। हाँ कौन बताएगा, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? यस, वेयर स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट और इन द प्रोसेस ऑफ बींग एक्सटिंक्ट और गेटिंग एक्सटिंक्ट, ओके, एनीथिंग एल्स? जहाँ वन थर्ड नेटिव स्पीसीज है, 70% एक्सटिंक्शन हो चुका है, ठीक है, एनीथिंग एल्स? सी नाउ थिंग्स आर कमिंग अप ना, ऑफलाइन क्लास का ये समझो, देखो कोविड के टाइम में सिचुएशन वॉज लाइक दैट, देर वॉज नो ऑप्शन, यू हैव टू डू ऑनलाइन। बट नाउ पोस्ट कोविड सिनेरियो हैज चेंज्ड, टुडे आई एम सीइंग एवरीवेयर स्टूडेंट्स आर कमिंग इन लार्ज नंबर्स टू क्लासरूम, बिकॉज यही चीज़ है ना, ह्यूमन टच, ये ह्यूमन टच होता है ना, आप मुझे देख रहे हो, मैं आप सबको देख रहा हूँ, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, यही तो इंसानी चीज़ें हैं, ऑनलाइन में वो नहीं आती है। ऑल्दो आई मे टॉक टू ऑल ऑफ यू राइट, बट वो फील नहीं आती है, वो फील यही है। यहाँ जब टीचर क्लास में होता है ना, व्हेन द टीचर स्टैंडिंग ऑन द पोडियम और इज द प्लेटफॉर्म, वो ऑटोमेटिकली यू नो द क्लॉक टिक, तो दैट थिंग स्टार्ट्स वर्क। शी हैज गिवन सम आंसर, एनीवन एल्स? आई वांट टू ब्रेक द आइस, साइलेंट नहीं रहना है, ये पूरा सेशन आज और कल है ना, इट हैज टू बी कंप्लीट इंटरेक्टिव। एनी आइडिया, यू मे बी रॉन्ग, डोंट वरी, फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, ठीक है, आप गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर देयर टू गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन राइट, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ मच यू नो द टर्म, ठीक है। फॉरेस्ट कवर ही हैज मेंशन, यस, समबडी वाज रेजिंग हैंड, यस, वल्नरेबल एंड इंडिजिनस स्पीसीज आर देयर, ओके, यस, दिस साइड, एनीवन? No? You want to try? अच्छा जी, सिंपल है, बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। वेन एवर यू से स्पीसीज, वी टॉक अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स राइट। नाउ वर्ल्ड वाइड इफ यू लुक एट, देर आर मिलियंस ऑफ स्पीसीज, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट इट सेड दैट देयर आर समथिंग अराउंड 15 मिलियन स्पीसीज विच हैव बीन फाउंड बाई साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड। There are more to be discovered. They are there, but we have not found them. So now if you look at this one,
तो इसका फर्स्ट डायमेंशन जो है दैट इज कॉल्ड दिस वन एंडेमिज्म, एंडेमिक दैट मीन्स फाउंड ओनली देयर नोवेयर एल्स। मैं भी समझा रहा हूँ, जैसे ये मैंने स्टैटिक और डायनेमिक, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर। एंडेमिज्म और एंडेमिक स्पीसीज विच आर फाउंड ओनली इन दैट हॉटस्पॉट, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। लेट्स से व्हेन वी से वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, वी स्टार्ट फ्रॉम गुजरात बॉर्डर, गुजरात साइड, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, सिक्स स्टेट्स आर देयर, राइट। महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, वी आर वेरी नियर टू इट, वी आर नॉट फार अवे, सह्याद्री वी कॉल इट देयर। सो यू विल फाइंड दोज स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स विच आर देयर ओनली एंड ओनली इन वेस्टर्न घाट्स। उसमें से कई ऐसे होंगे जो केवल महाराष्ट्र में और कहीं नहीं है, केवल महाराष्ट्र में के वेस्टर्न घाट में होगा, और ओनली फाउंड इन द गोवा वेस्टर्न घाट और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। तो फर्स्ट थिंग इज दिस एंडेमिज्म, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। सेकेंड कम्स हियर थ्रेट, थ्रेटेंड, दे आर थ्रेटेंड, दे आर थ्रेटेंड हियर, एंड यू नो दैट एनवायरमेंट सब्जेक्ट और कोई भी जो है आज के समय में इंसान से बड़ा थ्रेट कोई है ही नहीं। सबसे खतरनाक प्रजाति हम ही है, राइट। मोस्ट डेंजरस स्पीसीज वी आर हियर, वी आर डोमिनेटिंग द प्लैनेट, एंड वी आर द वन हु डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट। वी कट डाउन द ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, व्हाई? बिकॉज वी नीड मिनरल माइनिंग, राइट। वी नीड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। बट दैट इज अ होल डिबेट, द कंप्लीट डिबेट अबाउट इट, अबाउट ह्यूमन सर्वाइवल एंड ह्यूमन यूज ऑफ द नेचर। सो थ्रेट, व्हेन यू से थ्रेटेंड, दैट मीन दिस हॉटस्पॉट विच इज अ हॉटस्पॉट ऑफ स्पीसीज, शी हैज यूज द वर्ड इंडिजिनस, सेम एज एंडेमिज्म, बट दे आर गेटिंग लॉस्ट एंड शी हैज यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड 70%। ही हैज यूज द वर्ड फॉरेस्ट। वट इज फॉरेस्ट? एन इकोसिस्टम, वी कॉल इट अ इकोलॉजिकल सिस्टम मेड ऑफ अ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड देयर इंटरेक्शन, राइट। दैट इज वॉट द इकोसिस्टम इज ऑल अबाउट। सो वेन यू से एंडेमिज्म, तो वी आर रेफरिंग टू हियर अबाउट प्लांट स्पीसीज, ऑल दो एनिमल्स विल बी द पार्ट ऑफ इट। सो वट आई वुड राइट टू राइट हियर दैट एटलीस्ट दिस एरिया विल हैव मिनिमम 1500 प्लांट स्पीसीज एंडेमिक टू द हॉटस्पॉट, मिनिमम। दैट मीन इट कैन बी 5000, इट कैन बी 10,000, बट मिनिमम देर हैज टू बी अ क्राइटेरिया ऑफ 1500 प्लांट। आई अंडरलाइन द वर्ड प्लांट, नॉट एनिमल्स। तो ये सब, ये क्या है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। अगर क्वेश्चन आ गया कि क्राइटेरिया ऑफ हॉटस्पॉट, तो क्राइटेरिया इज प्लांट। लेकिन जब हम हॉटस्पॉट जाते हैं, व्हेन वी विजिट हॉटस्पॉट, वहाँ पर एंडेमिक एनिमल भी होता है। ऐसा नहीं है कि ओनली प्लांट्स, बट व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ हॉटस्पॉट? प्लांट स्पीसीज फाउंड ओनली देयर, राइट। देन व्हाट कम्स हियर व्हेन वी से थ्रेटेंड, थ्रेट, व्हेन यू टॉक थ्रेट हियर, सो व्हाट शी हैज गिवन हियर, मोर देन 70% ओरिजिनल वेजिटेशन, और यू कैन से प्राइमरी वेजिटेशन लॉस, जो उसका पहले से वेजिटेशन था, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, वो खत्म हो चुका है, चाहे वो जो भी डेवलपमेंट हुआ हो, दैट इज नॉट देयर। सो हाउ मच इज रिमेनिंग हियर? रिमेनिंग इज लेस देन 30%, इज लेस देन 30%। 70% से ज़्यादा खत्म हो चुका है, जो बच गया है 30% है।
उसमें से मिनिमम 1500 1500 प्लांट्स आर एंडेमिक. दिस इज अ कॉल्ड सेलेक्शन क्राइटेरिया. तो जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम द जीरो लेवल. यू मस्ट बी थॉरो. इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज हॉटस्पॉट, क्लियर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर आंसर, एकदम क्लियर आंसर होना चाहिए. वहाँ ये नहीं होना चाहिए डाउट, लेफ्ट राइट कोई डाउट नहीं. हॉटस्पॉट इज दिस, दैट्स इट. सीधा आंसर दिया आपने. अब वो कब आएगा? व्हेन यू विल हैव दिस वन, व्हेन यू हैव रेड इट एंड यू हैव अ कॉन्फिडेंस. है ना, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको पता होता है. अब पता कब होगा? जब आप पढ़ोगे, व्हेन यू रीड. ठीक, अगर आपने पढ़ रखा है कि ये इसका मतलब है तो दिक्कत नहीं है. आप जवाब आराम से दोगे कि नहीं हॉटस्पॉट ये है, और कोई आपको बोलेगा नहीं नहीं आप गलत हो, यू कैन चैलेंज दैट पर्सन कि नहीं आप गलत हो, आई एम राइट. यही होगा, दैट कॉन्फिडेंस. और यही कॉन्फिडेंस कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन पेपर में. आई नो हॉटस्पॉट इज दिस वन. वो चाहे क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज ट्विस्ट कर दे, घुमा के पूछे, लेकिन आपको पता है कि ये हॉटस्पॉट है, तो आप गलती नहीं करोगे आंसर में. क्वेश्चन पेपर भी यही करते हैं ना, वो सेंटेंस देते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट समथिंग ऑफ दैट, एंड दे विल चेंज सम काइंड ऑफ वर्ड, सम काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट यू आर क्लियर कि दिस इज हॉटस्पॉट, तो वह गलती नहीं होना चाहिए. आपको पता होगा कि वेदर दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है हॉटस्पॉट क्या है. यही है ना, दैट कॉन्फिडेंस कि एक बार पढ़ा आजीवन याद होना चाहिए. कल आप है ना 75 साल के बूढ़े भी हो जाओ और आपसे पूछा जाएगा हॉटस्पॉट, यू कैन टेल कि व्हाट इज हॉटस्पॉट. ठीक है, दैट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो व्हेन यू आर लर्निंग ना, आई ऑलवेज से डोंट प्रिपेयर यूपीएससी एग्जाम ओनली फॉर सेक ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम. प्रिपेयर दिस एग्जाम एज इफ यू आर गोइंग टू लिव विद इट, दैट नॉलेज यू आर लिविंग विद दैट नॉलेज, अप्लाइंग दैट नॉलेज टू योर लाइफ. आप कल कलेक्टर बनोगे, यू विल बिकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और एन IPS ऑफिसर, राइट. पता होना चाहिए ना हॉटस्पॉट. टुमारो यू आर पोस्टेड इन अ डिस्ट्रिक्ट विच इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो यू मस्ट नो दैट, यू मस्ट हैव नो हाउ. वो होना बहुत जरूरी है. नाउ व्हाट कम्स हियर, नाउ वेलकम टू GK, यू नो समथिंग कॉल्ड जनरल नॉलेज, हु गेव द कंसेप्ट, फ्रॉम वेयर दिस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट. एनी आइडिया किसने ये कंसेप्ट दिया है? हु हैज कॉइंड द वर्ड, हु हैज यूज दिस वर्ड, व्हाट्स योर नेम, स्पेल इट. Oh, it's a very different name. Right. Shariu is the river name also there. Shariu, right. Anyone who has given this word? Somebody would have given, no? Somebody would have told what is hotspot. Right. Who can be the person? Kaun ho sakta, batao. Good, very good. So this word was coined by a British scientist, Dr. Norman Mayers. I'll give you the year also. In the year 1988, Dr. Norman Mayers, he is a British environmentalist. So he published 2 papers in, you know, very famous scientific journal, Nature. You know, science, nature. होता है ना publication, होता है ना papers. Nature is a journal, scientific journal, right? Papers are published. So in the Nature journal, there he published 2 articles, which year 1988, and there he used the word hotspot, biodiversity hotspot, right? Now the organization which work, that name is a very very important organization, Conservation International, CIE. Now this organization was set up in
जस्ट आफ्टर वन ईयर ऑफ डॉक्टर नॉर्मन मेयर्स कंसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट 1989. इट्स अ ग्लोबल एनवायरमेंटल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1989. ठीक है, 1989 में इसको फॉर्म किया गया था. ठीक है, एक साल के बाद, ताकि हॉटस्पॉट कंसेप्ट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जाए. अब मुझे ये बताओ कि व्हेन यू रीड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड, कितने अलग तरह के इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं. सब इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं, लेकिन कितने अलग अलग तरह के होते हैं, राइट? कितने तरह के होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कितने तरह के होंगे. कुछ होंगे जो कि ग्लोबल होंगे, इंटरनेशनल, उनके ऑफिसेज पूरी वर्ल्ड वाइड होगी, और कुछ कैसे होंगे नेशनल होंगे, जो कि केवल उसी कंट्री में काम कर रहे हैं. यही है ना, एक डिवीज़न ये है, इधर इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और एट द नेशनल लेवल. विच आर नेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एनी इंपॉर्टेंट नेम यू कैन गिव विच इज नेशनल लेवल. कोई इंडिया का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नाम बताओ जो इंडिया का है, इंडिया में काम करता है. बहुत सारे हैं, कोई भी एक नाम बताओ. टेल मी एनी नेम. विच वन? पानी, पी ए डबल ए एन आई. ओके, पानी फाउंडेशन. ऑल राइट, बहुत सारे एन जी ओज होते हैं ना. मैं दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू. और कौन सा बताओ, कोई नाम है जो दिमाग में आ रहा है? आई डोंट नो. मैं क्यों, आई गेट बैक टू दिस स्लाइड. मैं साइड से देखता हूँ. हैव यू रीड अबाउट और हर्ड अबाउट दिस? नहीं. अरे बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. इसके नाम में आपको कहीं भी इन्वायरमेंट वर्ड नहीं है, एक ही चीज़ वर्ड में आता है, ये नेचुरल. बहुत पुराना है, 1883 इज़ वेरी लॉन्ग. कितने साल हो गए, 2023? हाउ मेनी ईयर्स वी आर नाउ इन 2023? हाउ मेनी ईयर्स हो गया, 1883 में फॉर्म किया गया था. 140 ईयर्स है ना, 140 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, नेशनल बॉडी हो गया. बट व्हेन यू कम अक्रॉस दिस वन, ये इंटरनेशनल है. ऑल्दो आयुष्यन इंडिया, देयर इज अ ऑफिस ऑफ इंडिया, बट आयुष्यन इज अ ग्लोबल एनवायरमेंट बॉडी. व्हाट इज परफॉर्म आयुष्यन? इंटरनेशनल, हाँ, गुड. यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. एक और वर्ड है इसमें, नेचर तक होता है, बट इस कंप्लीट नेम इज नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बट वी जनरली कॉल इट अ आईयूसीएन. ग्लोबल बॉडी है ना, रेड डेटा बुक, ये सारी चीज़ें. कई बार आप ये नाम भी पढ़ते हो, यूएनईपी, हाँ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, ये यू ऑल आर फेमिलियर विद ऑल दिस नेम्स. यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूएनईपी और आईयूसीएन में क्या अंतर है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज अ यूएन बॉडी, दैट यू कैन से इट कम्स अंडर यूनाइटेड नेशंस, राइट? आईयूसीएन इज नॉट अ यूएन बॉडी. इसका अंतर ये है, यूएनईपी जो है ना,
कई बार एक वर्ड आता ही है जिस इंटरगवर्नमेंटल, इंटरगवर्नमेंटल व्हाट डज दैट मींस, बाय गवर्नमेंट्स, हु आर द मेंबर्स, गवर्नमेंट्स, इंडिया, चाइना, यू टेक एनी कंट्री, यूएस, एनी कंट्री, मालदीव्स, यू टेक एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दे आर द मेंबर्स ऑफ यूएन बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल बाय द गवर्नमेंट्स। आयुष्यन इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, आयुष्यन इंटर गवर्नमेंटल नहीं है। When we use the word intergovernmental, which is solely or only by governments. What is IUCN? IUCN is this one. क्या मैंने लिखा है? Partnership led global organization. What do you mean by partnership? It will have members both governments and also non-governments. IUCN work with both in partnership with governments, national governments, and also with the many non-government organizations. And it is a very big organization. Thousands of organizations are working with IUCN. हजारों, बहुत बड़ी संस्था है वो, इसलिए आयुष्यन को इंटर गवर्नमेंटल नहीं बोलते। दोनों इंटरनेशनल बॉडी है ना, यूएनईपी एंड आयुष्यन, बोथ आर ग्लोबल बॉडीज, राइट। इफ यू टॉक अबाउट बीएनएचएस, बीएनएचएस इज व्हाट टाइप ऑफ बॉडी, नेशनल है, नेशनल में इज इट गवर्नमेंट बॉडी, जो नेशनल बोलते हैं ना, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल मिनिस्ट्री, और इज इट एन जी ओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये गवर्नमेंट की बॉडी है? एन जी ओ है, सोसाइटी है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी बॉडी है जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन आता है? जैसे कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी एस आई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफ एस आई, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डब्ल्यू आई आई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेड एस आई, दिस आर टोटली फंडेड एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, दे आर गवर्नमेंटल बॉडी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द वाई आई डिस्कस दिस वन, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। ये सब की वर्ड्स है, ये सब समझ में आना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स या कोई भी चीज़, तो लिखा रहेगा तो पता होना चाहिए इंटर गवर्नमेंटल बोल रहे हैं। ये पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। एनजीओ क्या हुआ, सिविल सोसाइटी क्या हुआ, ठीक है, मालूम होना चाहिए, राइट। सो नाउ इफ आई गो बैक हियर, सो दिस कंजर्वेशन इंटरनेशनल किस तरह का बॉडी होगा, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको कनेक्ट कर सकने। तो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस? एनजीओ इज अ पार्टनरशिप आल्सो, बट नॉट, आई विल से पार्टनरशिप इज कंप्लीटली एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दैट मींस कंजर्वेशन इंटरनेशनल इज नॉट अ इंटर गवर्नमेंटल, नॉट बाय गवर्नमेंट्स। सी आई एम कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स, एवरीथिंग हियर। Now what comes here? Now another fact comes, how many are there? So total worldwide there are 36 hotspots, right? How many India has got? Now you have to connect back to India. So if you take Indian aspect, I'll write here only. If you take India, India has got four. One is this Western Ghats, then Himalaya, right? Then comes Indo-Burma, and the fourth is Sundaland. Sundaland, Nicobar, and that is stretched to Java Sumatra. Where is Java Sumatra? Indonesia and that area. But in India, where it comes? Nicobar.
Great Nicobar and all this. When you say Indo-Burma, so we can consider Manipur, Meghalaya, those kind of belt, northeastern India. And that also extend Andaman, Andaman Islands. When you say Himalaya, so all the Himalayan states and Union Territory, that will cover there. And when you talk about Western Ghat, the complete Western Ghats. ये है ना फैक्ट्स है ना ये फैक्ट वहाँ पर है तो ये हो गया थ्योरी ये स्टैटिक पार्ट हो गया अब मैं आता हूँ डायनेमिक पार्ट कैसे आपको कनेक्ट करना है तो मुझे बताओ करंट अफेयर्स में कुछ भी चीज़ आपने पढ़ा हो हॉटस्पॉट के बारे में ये थ्योरी पार्ट हो गया कि एनीबडी से व्हाट इज हॉटस्पॉट यू नो दिस इज हॉटस्पॉट द बेसिक पॉइंट्स अब आपको करंट अफेयर को जोड़ना है राइट अब मुझे बताओ हाउ विच ऑफ करंट अफेयर्स यू हैव रीड विच वन वेरी गुड गुड वेरी गुड सो दैट इज वेयर आई सेड यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल एंड बिल्ड अप आई हैव जस्ट राइट नाउ यूज द वर्ड ग्रेट निकोबार And this entire controversy going on about the development of Nicobar Islands by the central government. All right, so let me come across. You have written this one, huh? And you all are able to understand? All right, so I'll build up one by one in the same manner. So let us look at here. Now I'm taking you to the current aspect. And now you understand how UPSC will ask question. Suppose that ki is saal ke paper mein, prelims 2023 mein, question agar aana hoga, to kya question ho sakta hai? Now you understand the psyche of UPSC. UPSC question kaise banata hai? Theek hai? So what is in the news? Mega project in Nicobar, Great Nicobar. ठीक है ये हेडलाइन है सबको पता है वहाँ वो नहीं पूछेंगे वो कुछ और पूछेंगे क्या पूछ सकेंगे पूछेंगे हॉटस्पॉट तो आई एम नॉट कनेक्टिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स अंडर सुंडा लैंड हॉटस्पॉट ठीक है दिस आई हैव गिवन हियर राइट I'll connect all the things here. This is part of Sunda land. Second, what you come across is the southernmost island. Southernmost island of India. And when I write Sunda land, so that is connected to Bali, Java, Sumatra. Now I'm asking a geography question. There is a channel which is separated. Good. Excellent. So there is something 10 degree channel that separate Nicobar from Sumatra, Java in that area. So when you look at India map, niche aapko channel dikhega 10 degree. So Nicobar se Sumatra jyada dur nahi hai. Aur wahan ek bahut important name hai Malacca. Malacca Strait. Jyada dur nahi hai. हमें सुनने में लगता है कि अरे ये इंडिया है वो उधर इंडोनेशिया वैसा है ज़्यादा दूरी नहीं है अगर निकोबार पहुंच जाओ आप ग्रेट निकोबार से तो आप बाई वाटर यू कैन गो टू इंडोनेशिया और जाता भी है बहुत सारे शिप्स कार्गो दे गो दैट वे और पता है क्या है बहुत बिजी रूट है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कार्गो मैरीटाइम नेविगेशन थ्रू होता है नॉट बाय रोड एंड एयर जितने भी आप देखते हो गुड्स जो मूव करते हैं ना कंटेनर्स सारे शिपिंग के द्वारा होता है शिप ये चीज़ याद रखना है 70% ऑफ बल्क ऑफ द ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड दैट हैपन थ्रू मैरीटाइम नेविगेशन वी हार्डली रियलाइज कि ओशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है तो ये नहीं कि इस पूरा एरोप्लेन से ही फ्लाइट से ही जाते हैं उतना जगह नहीं है कार्गो इतना छोटा नहीं होता है कभी कंटेनर देखा है यहाँ है ना पोर्ट वगैरह गोवा में मुंबई में बड़े बड़े होते हैं सारा वो
जहाज से जाता है, शिप से, और रोड का पता ही है, रोड कितना दूर जाएंगे उतना पेट्रोल डीजल लगेगा, बॉर्डर एरिया में ट्रांजिट चाहिए, होता है ना प्रॉब्लम, तो दे ऑल गो बाय सी एंड ओशन। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हियर द मोस्ट थिंग इज दिस वन, आई कनेक्ट विद इकोलॉजी एनवायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, एंड दिस इज बीइंग इन द ऑल न्यूज़पेपर करंट एस्पेक्ट, इवन द न्यूज़पेपर एडिटोरियल, द हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस हैज ऑल्सो कवर्ड अबाउट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। I'll come to environment, but it has a strategic location, 10 degree channel. And what I said here, this here, which can connect to this one, Malacca, is a very narrow street. है ना, ये बहुत छोटा street होता है जहाँ से all ships cross. ठीक है, अब मैं इसमें खतरा बताता हूँ, piracy. ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया में पायरेसी नहीं है, डोंट थिंक दैट पायरेसी ओनली सोमालिया, सोमालियन पायरेट, देर आर पायरेट्स इन साउथ एशिया ऑल्सो। तो टू थिंग कम्स हियर, वेन इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वन इज अ डिफेंस एंड सिक्योरिटी, दैट इज अ नेवी, इंडियन नेवी, कंट्रोल एंड कमांड, राइट, कमांड होता है वहाँ पर। और दूसरा क्या है वहाँ पर है? ये जो मैंने बताया एंटी पायरेसी, तो इम्पोर्टेंट है। और इकोनॉमिक क्यों इम्पोर्टेंट है? इकोनॉमिक इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल मरीटाइम ट्रेड, इंटरनेशनल मरीटाइम ट्रेड इज देयर, वी कैन कंट्रोल द ट्रेड, उससे इंडिया को रेवेन्यू आएगा, विल हैव इनकम, राइट। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्ट, दैट डेवलपमेंट इज वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया, दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट वांट टू डेवलप इट। बट इफ यू टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, नॉट ओनली इन्वायरमेंट, इवन एथनिक एंड सोशल इम्पैक्ट, ट्राइब्स। तो अब निकोबार की ट्राइब्स की बात करें, ठीक है, कौन कौन से ट्राइब्स हैं निकोबार में? एक सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है, और ये बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि दिस विल बी द पार्ट ऑफ द शम्पेन ट्राइब, देन यू ऑल्सो फाइंड हियर निकोबारीज, वहाँ पर केवल ग्रेट निकोबार नहीं, ग्रेट निकोबार के ऊपर है कार निकोबार, इज आइलैंड्स आर देयर, दे आर प्रिमिटिव ट्राइब्स ना, जंगलों में रहते हैं, है ना, लोगों से दूर दराज रहते हैं वो, उनका जीवन वहीं पर है। अब उनको अपने सामने दिखेगा जहाज, शिप्स, द एंटायर लैंडस्केप चेंज, इमेजिन एक ऐसा ट्राइब जो अपने जीवन भर कभी कुछ ऐसा नहीं दिखा, उसी प्रिस्टाइन नेचुरल एनवायरनमेंट में उनके जनरेशंस गुजरे हैं, अचानक वो लैंडस्केप चेंज हो जाए, बदल जाए, एडाप्टेशन करना होगा ना, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट है। और जब हम वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या रीजनिंग देता है? क्योंकि उनको लाइवलीहुड मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगा, देर एक्सट्रीमली बैकवर्ड, तो अच्छी बात है। लेकिन जब हम मेन स्ट्रीमिंग करते हैं, तो वहाँ पर एथनिक क्वेश्चन उठता है, कोई प्रिमिटिव ट्राइब को अगर आप मेन स्ट्रीम लाओगे, तो वहाँ भी सोशल इश्यूज आते हैं ना, उनकी जो अपनी जेनेटिक स्टॉक है, जीन पूल, वो खतरे में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब पता चला कि निकोबारीज है, उसका मैरिज होने लगा किसी और मेनलैंड के साथ, तो उनका तो पूरा का पूरा चेंज होगा ना सिस्टम डाउन द लाइन। तो ये कहाँ पर आता है? दैट कम्स इन टू सोशल इश्यूज, देयर डेवलपमेंट, और वहाँ भी डिबेट चल रहा है, क्या उनको डेवलप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। हाँ,
नहीं डेवलप्ड है, लेकिन उसके बाद भी जैसे इन्होंने बहुत सही बोला कि वो लोग ऑलरेडी डेवलप्ड है वहाँ पर, दे बी लिविंग, क्योंकि निकोबार ऐसा तो नहीं है कि देर नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट देयर, देर इज देयर. निकोबार ही होते हैं, राइट, बिल्कुल. सारा वो ट्रांसपोर्ट वगैरह सारा काम भी जो करते हैं वहाँ पर. नहीं बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल. हाँ हाँ राइट, मिलना चाहिए. अब देखो ये डायमेंशन ऐड हो गया ना, बिल्कुल सही है, शी इज सेइंग वेरी राइट थिंग देयर, कि एक जो हम कह रहे हैं कि ट्राइब है ये डेवलपमेंट वगैरह, तो एक वॉइस तो ये कह रहा है जो मैंने भी पहले बताया. क्या होता है सिर्फ जब आप न्यूज़ पढ़ते हो आप, तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा. कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडिटोरियल लिखेंगे कि नहीं वो लोग बैकवर्ड है, नॉट डेवलप्ड है उनका ये है, तो वो कुछ अलग एंगल लिख रहे हैं वहाँ पर. और अभी जो इन्होंने बताया कि दे हैव ऑलरेडी बीन सपोर्टेड, गिवन द पार्ट, रिजर्वेशन भी है उनके लिए, जॉब्स भी वहाँ पर है, एंड दे आर डिमांडिंग ऑल्सो फॉर दैट, है ना, ये सारी चीज़ें. तो वहाँ पर ये चीज़ को यही हाईलाइट करना है, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट नाउ दैट्स व्हाट यू टू कनेक्ट द डॉट्स. क्या क्या चीज़ है, हर एक चीज़ का दो व्यू होगा हमेशा, मल्टीपल व्यूज होंगे, राइट. नाउ टेल मी, इसमें एक और चीज़ है, एथनिक का चीज़ है, नाउ यू कैन कनेक्ट विद एंथ्रोपोलॉजी, कि दे आर रिलेटेड टू वेयर देयर ओरिजिन, कि उसका ओरिजिन कहाँ से है. नॉट ओनली निकोबार बट ऑल्सो अंडमान ट्राइब्स, है ना, देयर जरावा यू नो अंडमान में, तो वहाँ पर कई बार ये स्टडी होता है ना कि दिस ट्राइब्स आर लिंक्ड विद अफ्रीका, द रेस वाज सम रेस कहाँ से आया हुआ है. तो अगेन इफ यू लुक एट हियर, सो देयर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएगा, उसका लाइवलीहुड, देयर एथनिसिटी, उनके व्हाट विल कम इन एथनिसिटी, कल्चर, बिलीव्स, रिलीजन, देयर वे ऑफ लाइफ, है ना, वो चीज़ होगा. दे मे बी हैविंग डेवलपमेंट बट देयर वे ऑफ लाइफ मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेन स्ट्रीम देयर, तो वो वहाँ पर चीज़ है. देन वॉट कम्स हियर, वेन नाउ यू गो टू द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, आई एम नाउ ब्रिंगिंग द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हियर. सो लेट्स से सपोज यू टेक, इसको लेट मी जस्ट वन सेकेंड, इफ यू टेक द इन्वर्टर एस्पेक्ट हियर, सो वेयर वॉट कुड बी देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो अंडमान निकोबार इज नोन फॉर कोरल रीप्स, कोरल रीप इकोसिस्टम्स, है ना, वी हैव रिच डाइवर्सिटी ऑफ कोरल्स फाउंड इन निकोबार आइलैंड. तो फर्स्ट थिंग विच कम्स इज दिस वन, कोरल रीप्स. So let's say now the port or something will build, it is bound to cause pollution. Pollution will be there, and pollution, you know, coral bleaching. See, coral bleaching is not only because of global warming and ocean acidification. Coral bleaching could also be because of pollution. Another thing, very important one. Mangrove forest. There also you'll find mangrove forest, and I'll give you one name of the species, dugong, marine area, you'll find dugong, sea turtle, marine turtle like leatherback turtle, hawksbill turtle, the nesting site, that will come there. Where you find dugong, there's something called seagrass bed, seagrass, so you'll also find here this seagrass beds are there. Red turtles, dugong, all this will be there. And on the land side, you'll find macaque. There's something called crab-eating macaque. Threatened species, right? Crab-eating macaques will be there. Not only crab-eating macaque, but also, you'll also find there some type of varieties of birds also. Trees will be like mahogany. There are a lot of things there. So, now what question is, the environmental change which will be brought because of development. Most of the articles in Hindu paper, Indian Express, they're talking from environmental perspective. Ki that will lost. So, ye cheez hai, that is what I'm saying. And when you are talking about Nicobar, this part, I'll also add one more thing. Great Nicobar is also
बायोस्फेयर रिजर्व, हाउ मेनी पीपल नो दिस वन, इट इज ऑल्सो बायोस्फेयर रिजर्व अंडर मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम. देयर इज अ मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को MAB. 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, उसमें से 12 हैव बीन लिस्टेड अंडर यूनेस्को MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसमें ग्रेट निकोबार भी आता है ना, विच इज द लास्ट वन एडेड देयर आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स. अभी लास्ट में कौन सा ऐड किया गया, पन्ना इन MP. ठीक है, तो ग्रेट निकोबार कम्स इन टू बायोस्फीयर रिजर्व. तो यू आर कनेक्टिंग एवरीथिंग देयर. नाउ व्हेन आई राइट कोरल रीफ, देन यू मस्ट नो अबाउट कोरल रीफ्स. तो वो कहाँ गया कोरल रीफ का थ्योरी पार्ट, तो कोरल रीफ के बारे में बताओ. नाउ टेल मी व्हाट थिंग यू नो अबाउट कोरल रीफ्स. यस, कोरल रीफ के बारे में, कैल्शियम शेल, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन. All right, this side. Usually found in shallow water. Usually found in shallow water, right. Then, symbiotic relationship with whom? Marine algae, okay. Then, the largest coral situation in Australia. No, that's right, Great Barrier Reef. But I am asking, what are coral reefs? That means I am talking about corals. Great Barrier Reef is example, that's right. In like Andaman Nicobar also, we have the part of it, barrier reef or atoll or fringing, this all comes into that. अब यहाँ पर यही है, मैंने इसे बताया ना, हमेशा ये चीज़ को याद रखना है, ये जो मैंने पार्ट बताया, ये you have to always go back to theory. Whenever you read, you'd always get back to theory part. Why I've done this exercise? Taking example of hotspot. So first I told you the theory part. Then I have connected with the this part. ये approach होना चाहिए, आपकी approach ये होनी चाहिए, आपकी approach उल्टा नहीं होना चाहिए. आजकल क्या चल रहा है ना, पता है, वो भी बहुत गलत direction है. आजकल क्या चल रहा है, लोग क्या करते हैं, करंट इन्वायरमेंट पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है, वो बॉक्स बना हुआ है, कभी ये पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ रहे हैं. वो नॉलेज एम्प्टी नॉलेज है. आप ये समझते हैं ना, करंट अफेयर्स का बुलेट पॉइंट मिल गया जस्ट, और उसी में कोरल रीफ के बारे में पता चल गया, वो आपको हाफ नॉलेज दे रहा है. होना ये चाहिए कि पहले आपको कोरल रीफ पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, एंड देन यू आर रीडिंग अबाउट करंट एस्पेक्ट ऑफ कोरल रीफ्स, वॉट एवर यू कमिंग टू द न्यूज. इट हैज टू बी दैट अप्रोच, तो यू विल नेवर फेल इन द एग्जाम. अब प्रॉब्लम क्या होता है, आपने कुछ करंट न्यूज़ पढ़ा कोरल के बारे में, ग्रेट बैरियर रीफ इज इन डेंजर, ठीक है. अब आपने पढ़ लिया ग्रेट बैरियर रीफ, थोड़ा बहुत कोरल के बारे में पढ़ लिया, पूरी नॉलेज आपको कोरल की है नहीं. अब UPSC क्या करेगा, आपसे कोरल रीफ के बारे में डीप पूछेगा, इन डेप्थ, तो वहाँ दिक्कत आती है, राइट. तो ये बिल्ड करना है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट यू लर्न बाय डोज हॉटस्पॉट, देन यू कनेक्ट टू द करंट अफेयर्स, द अदर वे राउंड, राइट. सो विल डू वन थिंग हियर, आई एम जस्ट वार्म्ड अप, ये वार्म अप है, ठीक है, ये वार्म अप मैंने करा है. मैंग्रोव्स, यू नो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम वन बाई वन. लेट मी सी, KBC, यू नो KBC, वट इज़ KBC, कौन बनेगा, यस, सिविल सर्वेंट. सी मीन्स सिविल सर्वेंट, करोड़पति नहीं, मैं आपको करोड़पति नहीं बना सकता, आई डोंट हैव दैट मनी, राइट. आई कैन मेक यू सिविल सर्वेंट, दैट आई कैन डू, राइट. तो वही करते हैं जो मैं कर सकता हूँ, राइट. सो लेट अस गो इनटू दैट. सो व्हाट आई डू हियर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल लेवल, इकोलॉजी. लेट्स रिवाइज, आई डू द रिविजन हियर, क्योंकि अभी दो तीन घंटे पूरा तो मैं पढ़ा नहीं सकता, इज नॉट अ नॉर्मल क्लासरूम, रिविजन तो जरूर करा सकता हूँ. तो जाओ, लेट मी स्टार्ट. मैं ऐसा करता हूँ, सिक्वेंस वाइज चलता हूँ, दैट्स विल बी मोर बेटर. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हिम. व्हाट्स योर नेम?
आयुष हम व्हाट इज इकोलॉजी, पूरा रिवीजन हो जाएगा, ऑल बेसिक कंसेप्ट बी रिवाइज्ड। यस यस, व्हाट इज इकोलॉजी? No, study in what again you are bringing ecological aspect. Okay, yes. Study of environment, yes. No, but I am asking what is ecology? You are bringing again a relationship between ecology and environment. My basic question, what is ecology? What is ecology? Study of ecosystems, okay. Huh, what is ecology? Huh? Study of environment, okay. सिंपल है ये सब चीज़ें, जब भी आपने स्कूल लेवल में तो पढ़ा होगा ना, कॉलेज में ही पढ़ाया गया होगा, जो भी बुक आपने पढ़ा होगा उसमें तो लिखा होगा, पहला चैप्टर ही इकोलॉजी होता है, इकोसिस्टम होता है। सिंपल सा है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन इंटरडिपेंडेंस अमंग स्पीसीज, अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट, देयर सराउंडिंग। मैं लिखवा नहीं रहा, मैं समझा देता हूँ। व्हाट इज इकोलॉजी? इंटरैक्शन इंटरडिपेंडेंस between living organisms, ठीक है? Why does it very important? Survival. And जब हम interaction interdependence बोलते हैं तो living and non-living दोनों होगा। Living is what? I am a human being, you are a human being, we are interacting each other. But when we go to the forest, we have tiger, we have a plant, deer, so many are there. In terms of food, they interact each other. Feeding pattern, food chain, food web, that is thing there. What is non-living thing? Light, air, temperature. All required for survival, right? So there is always a flow of all this kind of thing. So that is the ecology. And what he has said, ecology is the study of ecosystem. So now let me come to this word. What is ecosystem? What is ecology? Ecology is the study of interaction interdependence among living organisms and their surroundings, environment. So what is ecosystem then? Correct. In ecology, there are different types of ecosystems. Okay. Sorry. What is ecosystem? System is the exchange of energy and nutrients between the biodiversity. Okay. It was asked in UPSC exam also there. Ecosystem when you talk about, no? So ecosystem when you are talking about ecological system. So what is ecological system? That is this one. Biotic community, living organism. Right, with surrounding, and when you say surrounding of a living organism, will have both living and non-living. Like my surrounding, you all are living, but in my surrounding, light, air, water, all those things are non-living. Right, so surrounding will have both biotic and abiotic. ये चीज़ है ना, इस बुक पे तो ये दिया होता है, biotic and abiotic factors. So what is ecosystem made up of? It is made up of living community, plants and animals and all, and together with the surrounding. And what does that surrounding contain? Biotic and abiotic. So when we say forest ecosystem, the forest will have different plants, animals, all these are the community. And forest also, what is he has given? Flow of energy, flow of nutrient, all these are also the part of it. Right? ठीक है? Now I have used the word here community. So what is community? अभी मैंने बताया ना, group of species, different species found in a habitat. That's called community. And community is made of different population of species. ये है ना, different population of species. Let's say tiger population, that consists of tigers, right? Human population, that consists of Homo sapiens, we all. So their populations are there. And what is basically population made of? A single species. Hello, single species hai. Aur ecosystem se bada kya hota hai? Ye sab aapne padha hoga. What makes ecosystem? यही है ना, इकोसिस्टम्स मेड बायो, मेक बायो, बायोम,
What is biome? Large area with similar type of climatic conditions and vegetation like tundra, taiga, tropical rainforest. So when you say tropical rainforest, Amazon in Brazil and that South America. But when you say rainforest, Western Ghat, hai na, Indonesia mein bhi hai. So we are talking biome, rainforest biome. And when you take marine biome, what is marine biome? Ocean. And all the forest biome, hai na, grassland biome, what is grassland biome? Savanna, tropical grassland, steppe, and all those one, temperate grasslands. है ना, बहुत सारे टेम्परेचर, प्रेरी, स्टेपी, वेल्ड, डाउन्स, ये सारे तो सबको हम ले मिल मिला ले तो व्हाट इट फॉर्म्स अवर अर्थ बायोस्फीयर. अवर अर्थ इज अ बायोस्फीयर. ये हायरार्की है ना, बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीसीज. व्हाट यू हैव टू डू इन इकोलॉजी, यू हैव टू अवेयर ऑफ द टर्म्स, बेसिक टर्म्स. ठीक है, तो मैं रिविजन करा रहा हूँ सो दैट इट हेल्प्स यू आउट, राइट. देन आई टेक द करंट एस्पेक्ट ऑल्सो देयर. सो दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ आई राइट अनदर थिंग हियर. फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, वन इज दिस वन, फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना. एंड दूसरा होता है साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो होता है, और व्हाट वी कॉल बायोजियो केमिकल साइकिल, राइट. ये सब एनसीईआरटी बुक्स में होता है. नाउ टेल मी हियर, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो ऑफ एनर्जी? नहीं, व्हाट इज मीनिंग दैट? करेक्ट. नाउ दिस इज देयर, हाउ इट हैपन, दैट इज अ फूड चेन, फूड वेब, बट इट बेसिकली इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फूड, राइट, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट. वट ट्रॉफिक लेवल होता है ना, एंड दैट वी स्टडी थ्रू फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड. यही है ना, देन द टेम्पर. हाँ, तो विल कम टू दैट वन. एंड व्हाट इज साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे ऑल गेट साइकिल्ड थ्रू वेयर? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड ऑल्सो बायोस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और यूपीएससी में क्वेश्चन आता है ना, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वो सारी चीज़ें हैं, है ना. आई थिंक यू हैव डन एनसीईआरटी बैच, राइट. ये सब कवर किया नहीं किया, बट आई एम वेरी हैप्पी, मुझे जवाब आ रहा है आप लोगों से. दैट मीन यू हैव रेड इट देयर, गुड, वेरी गुड. सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ यू टेक फूड चेन, है ना, फूड चेन, देन यू हैव अ फूड वेब, एंड थर्ड थिंग इज अ पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड. नाउ हु विल टेल मी, वन पर्सन, आई वॉन्ट फ्रॉम ओनली वन पर्सन, हु कैन टेल मी डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब? वेरी सिंपल क्वेश्चन. Only one person. Let me ask this boy. Yes. क्या नाम है आपका? हाँ, आशुतोष. हाँ, फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? सिंपल क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट बॉय. अरे इतना आसान है, हु विल टेल मी? इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, फ्लो ऑफ एनर्जी इन वन डायरेक्शन, ओके, एंड फूड चेन, राइट, मल्टीपल डायरेक्शन, फूड वेब, ओके. समबडी रेज हैंड फ्रॉम द बैक. यस, गुड, वेरी गुड. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी फ्लो फ्रॉम फूड, फीडिंग पैटर्न, व्हाट इज फूड चेन? इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ energy transfer which comes from producers to consumers, like primary consumer herbivore, they will return to secondary consumer carnivore, and that is linear. But she has used the word unidirectional. A deer will eat grass, tiger will eat deer, it doesn't happen ulta, that grass eat deer and deer eat tiger. Aisa hota hai kabhi? Agar aisa ho gaya, पूरी कायनात बदल जाएगी, द एंटायर नेचर विल चेंज. इज ओनली वन वे राउंड, है ना, एक ही राउंड है ना, कि ग्रास विल बी ईटन बाय हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स विल ईट हर्बीवोर्स, राइट.
But what is food web? Interconnected food chains. Multiple food chains get connected to each other with various traffic levels. Where you have multiple producers, multiple consumers. And energy flow in multiple path, multiple directions. What is called non-linear. So that becomes food web. And it's simple thing. मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ कि जो लोग इस बार एग्जाम देंगे उनके लिए काम आसान हो जाएगा. बट व्हेन आई कम टू क्लासरूम आई हैव अ प्रॉपर टीचिंग ऑफ द टॉपिक्स राइट. आई एम जस्ट गिविंग अ काइंड ऑफ यू नो जस्ट. ठीक है, क्लियर हो गया. ओके, हु विल टेल मी पिरामिड? 1% एट अ टाइम पिरामिड. यस मैडम, व्हाट्स योर नेम? हाँ, धनश्री. धनश्री, पिरामिड स्कूल के टेक्स्ट बुक में होता है, फोटो बना होता है. यस सर. नहीं नहीं, वो नहीं, एग्जाम्पल नहीं बताना है. आई एम आस्किंग व्हाट इज पिरामिड. एग्जाम्पल इज राइट, वेलकम टू एग्जाम्पल. व्हाट इज पिरामिड? डेफिनेशन ऑफ पिरामिड. यस आरती, आरती ना. हाँ, डेफिनेशन ऑफ पिरामिड. डेफिनेशन जस्ट डिफाइन इन वन सेंटेंस. पिरामिड काय झाला? हं, मजेत? नाही, यू लुक लाईक वी टेन्स, दॅट्स व्हॉट आय आस्क्ड देअर. हं, नाही, वो ठीक आहे. व्हॉट यू आर सेइंग इज करेक्ट. नाही, उसको कैसे प्रॉपर डिफाइन करना है, एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में डिफाइन करना. येस, हां, एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल. ओके, येस. नहीं नहीं नहीं, ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, इनको समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को. सिंपल लैंग्वेज में बताओ. लोअर टू हायर. ओके, ऑलराइट, लेट मी सी. पिरामिड जब होता है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड इज सिंपली दिस वन. आई एम यूजिंग अ वर्ड हियर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ फूड चेन्स in various traffic levels. That's it, simple definition hai. What is traffic levels? Energy levels hai na, he definition hai na. Graphical hai na wo. It look like a triangle pyramid and we are talking traffic level. And what we are representing, a food chain. Ye cheez hai, this one, this is how it happens. With the bottom of the pyramid, you know that, called first traffic level, starts with producers, autotrophs. Who are producers? Autotrophs, which can make their own food, plants and all this one. But not only plants, remember that. Which are other autotrophs? Algae, right? Cyanobacteria, blue-green algae. Then come phytoplankton, diatoms and all. Abhi bada interesting cheez abhi Visakhapatnam mein hua hai. Kya hua hai, batao? Kya hua hai? ब्लू कलर वाटर देखा है रात के टाइम में, बायोलुमिनेसेंस, फाइटोप्लैंक्टन है, डाइनोफ्लैजेलेट बोलते हैं. अब देखो यही चीज़ है, यूपीएससी को पता है, फर्स्ट टाइम इन विशाखापट्टनम द सी वाटर वाज लुकिंग ग्लोइंग ब्लू ग्रीन कलर एंड दैट इज बिकॉज डाइनोफ्लैजेलेट मरीन स्पीसीज है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वेरी माइक्रोस्कोपिक होता है, दे ग्रो इन लार्ज नंबर्स. They are called phytoplanktons. अब वो ये चीज़ को क्वेश्चन पूछ देंगे, phytoplanktons. You must know dinoflagellate, है ना? So this is what we what comes in the bottom? Producers, ठीक है? Then here primary, first level जो होता है, primary consumer, herbivores, ठीक है? And then comes here secondary. A food chain is longer than tertiary. अगर लंबा होगा तो वन मोर लेवल विल बी देयर. दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ फूड चेन्स, राइट? सेकेंडरी कंज्यूमर, इट गोज लाइक दिस. ठीक है, नाउ लेट मी आस्क दिस वन. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये लॉ ऑफ 10%, यू ऑल नो दैट. एंड हु गेव दिस कंसर्न? लिंडमैन, राइट? लिंडमैन
there is a person called Raymond Lindman. He gave this concept of law of 10%. Now tell me, what is the law of 10%? It's a natural law in living world. Okay, what is saying? Whatever we consume, we only get 10% of that energy. Remaining 90% is lost. Where it is lost? नहीं इन्वायरमेंट में तो लॉस होता ही पक्का है एज इट लेकिन प्रोसेस क्या क्या है जहाँ वो एनर्जी लॉस हो जाता है डाइजेशन रेस्पिरेशन एब्जॉर्प्शन नो व्हाट यू से इन्वायरमेंट में तो वो हीट कई बार तो ना आपने देखा पसीना आते हैं पसीना गिर रहा है ना हीट निकलता है वो तो वो सब क्या है लॉस ही तो है सेम हैपन विद टाइगर अब टाइगर को भले पसीने ना आता हो टाइगर ऑल्सो मूव ना टाइगर खाने के बाद तो वो बैठा रहेगा तो मेरे जैसा मोटा टाइगर हो जाएगा है ना लेकिन टाइगर क्या कहता है खाने के बाद घूमता फिरता रहता है थोड़ा उसका डाइजेशन होता है एब्जॉर्प्शन होता है तो 90% वहाँ लॉस होता है उनका ठीक है 10% उसको मिला है अब वो 10% एनर्जी का क्या करता है टाइगर वो रहता थोड़ी ही है अगर रहने लगा तब तो हो गया तो यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक Suppose you take in the morning, which one? Vada pav, right? So vada pav, let's say 10 calorie. वो depend करता है कि कितना कितना stuff उसके अंदर है. Right? 10 calorie vada pav, right? So how much you are getting after eating 10 that vada pav? 1 calorie. 9 calories lost everything. What happens with that 1 calorie? नहीं ट्रांसफर तो ठीक है बाद में होगा लेकिन इंसान में क्या होता है इंसान में क्या होगा इंसान को तो खाने वाला कोई नहीं है तो इंसान का 1 कैलोरी कहाँ जाएगा वो हाँ 1 कैलोरी है दो चीज़ होता है आइदर वी बर्न इन आवर एक्टिविटीज आप इधर चल के आएंगे सीढ़ियों में चढ़ेंगे तो वो एनर्जी यूज हो जाता है ना वो सीढ़ी में चढ़ने वाला एनर्जी कहाँ से आ रहा है वही 1 कैलोरी है वही 1 कैलोरी आपको दे रहा है और अगर आपने सीढ़ी नहीं चढ़ा लिफ्ट से यूज़ किया राइट तो क्या होगा 1 कैलोरी बायोमास इसको बोलते हैं बायोमास यू अंडरस्टैंड बायोमास दिस इज कॉल्ड बायोमास दैट कन्वर्ट्स इनटू फैट और प्रोटीन और सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मास ऑर्गेनिक मैटर ठीक है तो अगर आपको बायोमास नहीं बढ़ाना है तो क्या करना होगा उस एनर्जी को यूज़ करना होगा आर यू गेटिंग माय पॉइंट सेम हैपन विद लिविंग वर्ल्ड बट हाँ लिविंग वर्ल्ड व्हाट हैपन दे गेट ईटन अप हियर व्हाट हैपन्स दे गेट ईटन अप सो द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड आर यू गेटिंग दिस वन नाउ आई यूज सम वर्ड हियर आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस There are two other related words. Let me write also this. Bioaccumulation. And which is another word? Bioconcentration. Let's go through it one by one. First, what is bioconcentration? Bioconcentration. Welcome to magnification. Yes, what is bioconcentration? See, when we talk about food, food is digestible. Food is organic. You can say food is organic. Carbohydrate, fat, protein, whatever. It gets broken down. Biodegradable. Now suppose chemical pesticide, heavy metals like arsenic, fluoride, cadmium, chromium, mercury, lead, or chemical pesticide, insecticide, which we use in agriculture field, right? Or sometime maybe some chemical. If that enter the food chain, they are non-biodegradable. What get degradable? Law of 10%, right? What doesn't get broken down? So what will happen there? It will accumulate. सिंपल चीज़ है ना जो ब्रेकडाउन नहीं होगा वो तो अल्टीमेटली बॉडी टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट करेगा अब कितना एक्यूमुलेट कर रहा है 1 माइक्रोग्राम 10 माइक्रोग्राम वो क्या है
concentration. So what is bioconcentration? Simply it means amount. Amount of toxic and harmful. Jo bhi harmful substance hai. Harmful substance accumulating in a accumulating in trophic level. Jo bhi trophic level hai, whether man or animal or plant, in that trophic level. One trophic level, kitna concentration accumulate kar raha hai. अब वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है. फिश में कुछ कम होगा, है ना, मैन में हो सकता है ज़्यादा हो. दैट डिपेंड्स ऑन दैट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हियर? दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स लेवल ऑफ एक्युमुलेशन, राइट? नाउ व्हाट इज बायो एक्युमुलेशन? सिंपली इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन अ ट्रॉफिक लेवल. मैं समझाता हूँ उसको, ये थोड़ा समझना है क्योंकि तीनों सुनने में एक जैसा लगता है, थोड़ा अंतर है. कॉन्सेंट्रेशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितना कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेट हो रहा है. एक माइक्रोग्राम हो रहा है, 10 माइक्रोग्राम है, 1 PPM है, 10 PPM है, वो हो गया बायो कॉन्सेंट्रेशन. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए DDT अभी तो नहीं यूज़ होता है, सपोज DDT. अब DDT अगर मैन में आएगा 1 माइक्रोग्राम, हो सकता है मैन को कोई असर नहीं हो, लेकिन वही 1 माइक्रोग्राम किसी बर्ड में चला जाए, किसी बर्ड स्पीसीज में चला जाए, तो वो बर्ड स्पीसीज विल डाई, डेथ हो जाएगा उसका, है ना. कहने का मतलब है दैट 1 माइक्रोग्राम ऑफ DDT इज अ लीथल फॉर द बर्ड, बट 1 माइक्रोग्राम ऑफ दैट DDT इज नॉट लीथल फॉर मैन. मैन के उतर लिथल नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. यू आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट, बट व्हेन आई एम सेइंग बायो एक्युमुलेशन, व्हाट इज बायो एक्युमुलेशन? प्रोसेस. अब किसी में जो एक्युमुलेशन फास्ट होता है और किसी में एक्युमुलेशन स्लो होगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब इंसान में हो सकता है कि हम खाएं लेकिन एक्युमुलेशन हमारा स्लो हो, अब कुछ ऑर्गेनिज्म में तुरंत फास्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बायो एक्युमुलेशन, वो अमाउंट वगैरह. और मैग्नीफिकेशन का मतलब अलग है. मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस अक्रॉस सक्सेसिव. सी वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर फूड चेन अक्रॉस सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स of a food chain. I'll read out there, those who cannot see there. Increase in concentration of toxic substance across successive trophic levels. That means you are starting from grass, deer, tiger. So from grass to deer, deer to tiger. That increase. That is called magnification. Are you able to understand? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बायो मैग्नीफिकेशन में पूरा का पूरा फूड चेन ले रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि प्लांट से लेकर एनिमल तक में कैसा वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन. अगर एक ट्रॉफिक लेवल में कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो बायो कॉन्सेंट्रेशन, और एक ट्रॉफिक लेवल में क्या उसका एक्युमुलेशन प्रोसेस के बारे में तो बायो एक्युमुलेशन हुआ. All three are used interchangeably, but they have different meaning. ठीक है, they have got different meaning there. I'll give you break, don't worry. I'll give you break maybe in a couple of this minutes. I'll give you. Generally, what time you get there? Because we'll be going till 1 o'clock, and I'm going to revise you all the concept. Even you can ask me any doubt or something also there. ठीक है. तो मैं कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी 9 बजे स्टार्ट हुआ है, 9:10:15, सो आई गो अप टू टिल 10:45. आई गिव यू स्मॉल ब्रेक, देन अगेन आई स्टार्ट आफ्टर सम टाइम. आई डोंट वांट टू टॉर्चर यू, राइट? यू आर एंजॉइंग इट, ओके, दैट्स, आई एम रियली, देन आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड टू टीच दैट. ठीक है, अब कुछ कम काम की चीज़ें बात करते हैं. ये जो क्लियर है, सबको क्लियर है यहाँ पर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब काम की बात करते हैं. काम की बात ये है, वल्चर.
वल्चर क्राइसिस इन इंडिया, राइट, वल्चर क्राइसिस इन इंडिया. अभी मैं और बात करूंगा, लेट मी स्टार्ट फर्स्ट विथ वल्चर क्राइसिस. और ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इस बार क्वेश्चन आ सकता है. टेल मी भाई, इट कैन बी क्वेश्चन. हु कैन टेल मी हाउ व्हाई इट कैन बी अ क्वेश्चन दिस ईयर एग्जाम अबाउट वल्चर? न्यूज में क्या आया हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यस, नो नो, देयर इज समथिंग इन न्यूज. फर्स्ट टाइम वल्चर सेंसस, यू नो सेंसस, काउंटिंग ऑफ वल्चर्स. अब मैंने बताया व्हाट इज यूपीएससी ऑल अबाउट. यूपीएससी नोज दैट स्टूडेंट्स आर रीडिंग करंट अफेयर्स. What was there in Hindu paper and Indian Express? That first time counting of vultures, census being conducted. अब वो UPSC क्या करेगा, उसी वल्चर को लेकर क्वेश्चन बनाएगा, करेंट एस्पेक्ट. ले विल अंडरस्टैंड दैट, विल कनेक्ट ऑल एवरीथिंग हियर. ओके, अबाउट वल्चर, आई कम टू बायो मैग्निफिकेशन. नाउ टेल मी अबाउट वल्चर, वॉट ऑल थिंग यू नो अबाउट वल्चर. All right, good. Scavenger. What scavenger does? It eat carcass. Consume the dead animal. Carcass. Dead body. It clean the environment. Clean the environment. Okay? Okay. Anything else? We can also say they are something called this one. Detriti war. What detriti? Detritus means dead, dead matter. They feed the dead matter. Vulture jinda nahi marta hai. Koi bird hota hai na, bird of prey, you know, falcon, eagle, hawk, they prey. They are not a prey. They, after death of the animal, they'll come and feed it. So here, detriti wars, they're called detriti wars, right? So they are basically consumer. As an animal consumer, right? But they belong to scavenger. Okay, vulture has got another interesting thing. Parsi. In Mumbai you'll find. Their vultures are there. Time connected with religious aspect. One is the natural thing, scavenger. Eat the dead animals and all, but now I'm connecting to religious and cultural aspect. So there is something called Tower of Silence. Dead body, humans, they have ritual. They put them and the vulture will eat dead bodies. But the problem is that now the vulture number has declined. So this observance of this ritual has been affected. There was a court case in Bombay High Court. Obviously, na, agar dead body aap rakhenge, uchai pe rakhte hain wo. Aur vulture hi nahi hai, vulture hi nahi kha pa raha hai, to wo to dead body kya hoga? After some time, rotten, create problem in the area. To lekin yahan problem kya hai? You know that constitution mein kya likha, constitution mein? Ki we have a freedom of religion. At the same time, there is a natural aspect, vulture conservation, right? So that is part of the. Now what I'm coming here, this one. You know about this? Diclofenac. Diclofenac. What is diclofenac or diclofenac? Is a pain reliever or painkiller drug. Is a veterinary drug. Veterinary. You know veterinary means animals. So, when an animal, cattle is diseased, doctor will give the injection. Hota hai na, kai baar hume jab sar dard hota hai na, to hum log kya karte hai? Tablet khate hai dawai, taki dard kam ho jaye. To waisa yahan par bhi hai. Cattle who is ill, given the injection of diclofenac. So, it is basically what is called anti-inflammatory. Hai na, iska word hota hai, anti-inflammatory. It relieves the cattle from pain. Now suppose the cattle dies. You know, hum to usko
दवाई दे रहे हैं, ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं मर गया तो बाहर फेंक देंगे, वल्चर विल कम एंड फीड, नाउ कम्स द फूड चेन बायो मैग्निफिकेशन. सो हियर दिस हैज कॉज्ड बायो मैग्निफिकेशन और उसका इम्पैक्ट ये होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है वल्चर में. वल्चर इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ फूड चेन स्कैवेंजर, इट कम्स एट द लास्ट, सो द कॉन्सेंट्रेशन इन देयर विल बी मच हायर. सो व्हाट हैपेंस हियर, वल्चर विल सफर विद गाउट. व्हाट इज गाउट, यू नो समटाइम वी ऑल्सो हैव गाउट्स, वी आर नॉट एबल टू मूव, दे आर नॉट एबल टू फ्लाई, देन दे हैव दिस वन नेक ड्रूपिंग. The neck becomes stiff. It's not dropping, I'm saying drooping. You know the vulture has got long neck. Then this one. Kidney failure. Even insano mein bhi hota hai. Jyada pain killer khane pe hai, kidney mein asar hota hai. They die of that. Population decline. Right? So in India, I'll write them, there are 9 types of vultures are found. 9 types of vultures are found, and out of that, 4 have become critically endangered. Can you give me the name of these 4 which have become threatened because of biomagnification? Naam koi vichar. IUCN Red Data book mein more than 90% loss decline. I'll give the name here. One is called this one, long-billed vulture. Slender-billed vulture. Third is called white-backed vulture or white-rumped vulture bolte. Backed or rumped vulture. And the fourth one is red-headed vulture. Red-headed vulture. I repeat there. Out of 9 types, 4 long-billed vulture, slender, S-L-E-N-D-E-R, slender-billed vulture, white-rumped vulture, red-headed vulture. More than 90% decline. 90% is jyada, uski sankhya kam ho gayi hai. The reason is biomagnification and the main cause is diclofenac or diclofenac. Take care. Are you all aware of this? Nahi? Yeh kaafi news mein raha hai. It has been in the news there. Ab mera question yeh hai, kya yeh drug banned hua hai ya abhi bhi use ho raha hai? Nahi, matlab officially banned hua hai? गवर्नमेंट ने बैन किया है आफ्टर दिस क्राइसिस. ये जो 4 वल्चर्स हैं ना, दे हैव बिकम क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स मोर देन 90% लॉस. गवर्नमेंट हैज बैंड दिस ड्रग, बट आई टेल यू, गवर्नमेंट हैज बैंड दिस ड्रग बट इलीगली सोल्ड इन द मार्केट. यू नो इंडिया, उसमें बताने वाली बात नहीं है. ठीक है, कि सरकारी आदेश का क्या होता है वो बताइए. ठीक है, तो अभी भी कुछ और रास्ते से डिक्लोफेनाक पहुंच जाता है गांव में. ठीक है, इधर रायगढ़ में ही. ठीक है, मैं अभी बहुत अच्छा बता रहा हूँ, रायगढ़ यू नो ना, रायगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है इधर से. वहाँ पे एक गांव है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पता है वल्चर कंजर्वेशन का. उसमें आप व्हेन यू गो टू सी, कई बार क्या होता है, व्हाट आई फील इज दैट व्हेन यू गो टू यूट्यूब वीडियोस, राइट, यूट्यूब वीडियोस, डोंट वॉच दोज वीडियोस, हे गाइस व्हाट्सअप, वो यही बात बताएंगे जो बात आप यहाँ समझ रहे हो, सेम चीज़ वही रहेगा. थोड़ा प्रेजेंटेशन, थोड़ा पीपीटी बना देते हैं, ऐसा पढ़ेंगे वल्चर क्राइसिस इन इंडिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड. यही होता है ना, यूट्यूब वीडियोस देखा है, किस तरह क्लासेस होते हैं, पावर पॉइंट बनाया, 4 घंटे मेहनत करके पावर पॉइंट,
उसके बाद पढ़े जा रहे किसको समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं। ये है आजकल के नए नए एजुकेटर्स, राइट, सो कॉल्ड एजुकेटर्स, तो उससे लर्निंग नहीं होता है। ठीक है, लर्निंग ये होता है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो आप, यू गेट बम्बार्डेड विथ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दैट्स वेयर योर यू नो वे टू मैनेज दोज इन्फॉर्मेशन बिकम वेरी क्रिटिकल। एंड आई बिलीव बट आई थिंक UPSC requires clarity, right? Simple and clear. आप जितना ज़्यादा पता है, मैं आपको इसलिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ केयरफुल होने के लिए, आप देखो कोई करंट अफेयर मटेरियल में वो इतना ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड करते हैं, कुछ समय पढ़ने के बाद आपका दिमाग बंद, समझ होना बंद हो जाता है। और क्या होता है, यू स्टार्ट डूइंग क्रैमिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू नो क्रैमिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे एग्जाम से पहले होता है ना, यू आर क्रैमिंग देयर। अभी आपने क्रैम कर लिया, एक दो घंटे के बाद क्या होगा, आप भूल जाओगे, यू नॉट रिमेंबर इट। अच्छा, अब जो मैंने बताया यूट्यूब वीडियो को बताया, पावर पॉइंट वगैरह, तो डोंट वॉच दोज वीडियोज, यू वॉच गुड साइंटिफिक और इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज। What I'll suggest you, see, make use of social media in a better way. And I'll tell you that social media will be your very good assistant to qualify examination. जैसे कि मैं example दे रहा हूँ, अगर आपको करना हो, जैसे मैं अभी एक example दे रहा हूँ, कहाँ पर है वो इसका main page आता है, let me go back to the, let me minimize, okay, just one second. I'll just, if your internet is there, I'll help you out here. Yes, it's working good. Now let's look at here. Let's suppose I have to get good information, right? As information, what experts are there who are giving experts information, and I want to know about vulture. So let's say, for example, there is a, I will go to this one called Eco India. There's a Eco India. So let me go to the Eco India. Eco India. अभी जो मैंने रायगढ़ का बताया ना, मैं दिखाता हूँ, इसी में एक वीडियो है वल्चर रेस्टोरेंट, वल्चर रेस्टोरेंट इन रायगढ़ में किया गया ये चीज़ है। यू वॉच दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, इसमें आपको वल्चर के बारे में सब कुछ बता देगा 11 मिनट की वीडियो में, with all animation, and this is a real kind of case study. When you go to here, you'll find a real kind of case study here. ये चीज़ है ना यहाँ पर, ये अभी if you see here, इसमें एक बार light off हो सकता है, महाड, you know महाड, where is महाड, हाँ just here. Prem Sagar, he is a person who is a, or anyway let it be there, not a, put on the light there, not a problem, otherwise the light on kar do, koi baat nahi, aja ha now see, iska sound kam hai karta hu so that you are able to hear more better. I'll start this one subtitle here, iske panel mein jaake mujhe sound ka karna padega. Isme ye diya hua hai, ये जो गाड़ी है ना, मैं समझाता जाऊंगा, ये बफेलो को लाया गया मरा हुआ जानवर, देन दे विल पुट इन द ओपन, दे विल रिमूव द स्किन, नाउ दिस गाय इज रिमूविंग द स्किन, राइट, वाई स्किन इज टू बी रिमूव्ड सो दैट बिकम इजी फॉर वल्चर टू ईट, राइट, नाउ ही इज रिमूविंग द स्किन ऑफ द एनिमल and then vulture will come here. It's me, now look at this, here, an open foraging ground as a feast for mahars slowly arrive. So now they will come and feed there. Isko bolte hai vulture restaurant. One carcass from mahad, and we got one carcass from mahad there. We have seen 3 to 4 flocks over here, flock of 40 to 80 vultures, it has been said, saying flock of 40 to 80 vultures are there, and he is a Prem Sagar whose initiative is there. These vultures in Raigad have been compelled to depend on their human friends to scavenge for them. A cruel twist.
twist of fate, the beginning of which could be traced back to the 90s. 90s, we had very good population vulture, but then they declined. At the peak in the 80s, these species collectively numbered over 40 million and were common sights on trees, rooftops, and electric poles. In the mid-90s, however, their population nosedived by almost 90%. See what is it? Mid-90s, almost 90% population declined. Experts have attributed the mass deaths to diclofenac, popular veterinary drug. Right, that's what we talked about here. So in the same video, now what you'll find here, he is the founder of Prem Sagar, is an NGO. He breed the vulture. Trees and all, they are keeping that. Then you'll find here, the same video will talk about, Sarpanch. You know, Sarpanch of that gram, Gaon there. They are supporting this initiative. And then you'll find here, they are feeding also there. But you'll find here, see, this is called juvenile call. They're calling the vulture. It's call for feeding. Call for feeding. So he's making that whistling sound. For close to 2 decades now, Prem Sagar and his team of around 40 volunteers have been... So this vulture understand and the vulture come for food. ...hoping to conserve and increase the population of this majestic... Now if you see here, they bring meat from local market and they give them this kind of food. Just show you this. Then वो सागर सर को डायरेक्ट कॉल करते कि हमारे विलेज में एक कैटल का डेथ हो गया है तो आप लोग ले जाओ तो हमारा जो एनजीओ है उनके साथ दो पिकअप के वॉलंटियर्स है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में जाके डंप करते हैं फिर हम लोग में से कोई दो वॉलंटियर्स उसका स्टिंग टेयर करने की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वल्चर दे कांट हंट दे कैन ओनली स्कैवेंज तो फिर हम लोग उनका स्किन निकालते हैं ओपन करते हैं एंड फिर 2 दिन के अंदर पूरा मीट साफ हो जाता है Right? Unko inform kiya jata hai. So their team goes and then take the animal. They open the skin and then put it there. Now this is the place here. So they bring the from mutton shop. You have mutton shops. Sometimes some wasted meat is there. They bring and feed them. This is long-billed vulture. That is cool. They are involving children also in the conservation program. So, see here what you find here, even the children are the part of the program there. So, just you can switch on the lights there. So, this is what I want to say, if you really want to watch videos, go to such informative videos. Which give you kind of information and you know I'll tell you maybe that documentary which you are watching maybe question can come you know sometimes RSTV Rajya Sabha TV they have a documentaries Sansad TV so wo sab dekha karo aap wahan se question aa sakta hai ab ye jo aajkal jo educators ki jo lambi line lag gayi hai na jo videos mein wo koi matlab nahi hai dekho wo sare cheez jo hai और इन्वायरमेंट आई हैव सीन दैट आई हैव सीन इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आई डोंट हैव अ लुक इनटू दोस काइंड ऑफ व्हाट इज गोइंग आउट वो है ना जब व्हेन यू नो व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसीफाइड यू नो दैट जब उनको सुली में वो चढ़ाया गया क्रॉस में तो व्हाट क्राइस्ट टोल्ड दैट टाइम जब उनको लटकाया गया क्या बोला उसे पता है ही टोल्ड फॉरगिव ओ लॉर्ड फॉरगिव देम दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग है ना हे ईश्वर इनको माफ कर दो इनको नहीं पता ये क्या कर कि ये क्या कर रहे हैं यही हो रहा है फॉरगिव दोज एजुकेटर्स दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग ये हालत है इसलिए उनको माफ कर दिया जाए वो अपने काम कर आपको अपना संभल के चलना है ठीक है नाउ व्हाट आई सेड व्हाट केम इन हिंदू वल्चर Sensors. So when you have to use the Google, you have to use in a proper way. Let's say, for example, I am writing here vulture census.
द हिंदू, बस सिंपली ये करना है, और इंडियन एक्सप्रेस। यू गेट दैट आर्टिकल एंड यू कैन सी द डेट ऑल्सो, 13th March 2023, वेरी रिसेंट। कल 13 अप्रैल था, एक महीना पहले ये न्यूज़ में था ना, और उनको पता है, यूपीएससी नोज दैट, वाई इज द वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, तमिलनाडु गवर्नमेंट प्लान्स सिंक्रोनाइज वल्चर सेंसस अक्रॉस तमिलनाडु, अगेन जनवरी मंथ, अगेन यू सी मार्च सिंक्रोनाइज सर्वे इन 3 स्टेट रिपोर्ट, सिग्निफिकेंट इंक्रीज। नाउ व्हाई इट इज इंक्रीज, बिकॉज वी हैव बैंड डिक्लोफेनाक, हमने बैन कर दिया ना उसको, तो ये सब चीज़ें। ओके, एनी वन इन द क्लास रूम, इफ यू नो दिस वन, आई गेट बैक टू द राइटिंग पैड। सो वेन यू गो टू दी हियर, लेट मी राइट समथिंग, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट, नोट, वेयर इज द नोट देयर, या ओके ओके, आई गॉट दिस पॉइंट, यस। नाउ लेट्स लुक एट हियर, इफ आई जस्ट, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस वन, जटायू, ये बहुत पॉपुलर है, जटायू ब्रीडिंग सेंटर, वेयर इट इज लोकेटेड, सो इट इज समथिंग कॉल्ड कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर, वी ब्रीड देम इन कैप्टिविटी, एट इज वेरी फेमस वन इन पिंजौर, पिंजौर इज अ प्लेस इन हरियाणा, हरियाणा स्टेट, इज वेरी नियर टू चंडीगढ़ एंड मोहाली, पिंजौर। So government of Haryana with the central government, they have started this breeding program of vultures in India. But is it the only one in India? No. We have such centers across the country. Ab jaise Bengal mein, there is a Bengal Raja Bhatt Kawa in Kuch Bihar. You will come across this word, Kuch Bihar. कुछ बिहार इज अ प्लेस ऑफ नॉर्दर्न बंगाल, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल, वहाँ पर सेंटर खोजा बनाया गया, उसी में एक नाम आता है, यहाँ पर ये भी एक है बक्सा, कई बार आप वर्ड गुल कम, बक्सा, बक्सा इज अ टाइगर रिजर्व ऑफ नॉर्थ बंगाल, तो बक्सा टाइगर रिजर्व, दैट बक्सा देयर इज अ रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ भी किया गया। नाउ वल्चर रेस्टोरेंट, इट हैज़ बीन ट्राइड इन राजस्थान, MP, गुजरात, है ना, महाराष्ट्र का भी देखा है, रायगढ़ का, इट हैज़ बीन ट्राइड इन मेनी प्लेसेस। सो गवर्नमेंट हैव टेकन सम प्रोएक्टिव स्टेप्स एंड मेनी ऑफ द NGOs हैव ऑल्सो बीन डूइंग द वर्क, सो दैट्स व्हाट दिस सेंसस सेज दैट नाउ देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर विच वॉज डिक्लाइनिंग, नाउ वी आर एबल टू, यू नो, एबल टू कंट्रोल द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है आपको, राइट। नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन हियर, सो आई डिस्कस लॉ ऑफ 10%, आई हैव डिस्कस दिस बायो मैग्निफिकेशन एंड आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ दिस वन, ऑल राइट, आई विल ब्रिंग अनदर एग्जांपल विच यू ऑल नो दैट मीना मटा, राइट, यू नो अबाउट मीना मटा, व्हाट, व्हाई दिस नेम कम्स मीना मटा, जापान, व्हाट हैपेंड इन जापान, मर्कुरी पॉइजनिंग, राइट, right, that was the problem there. Now Minamata incidents took place long way back in 50s, but have we stopped using mercury right now? No. It was a mercury problem only, methyl mercury discharged to the sea water and it entered the marine food chain and ultimately it came to human being, which caused the mercury poisoning, we call it the Minamata disease, right, but still today we use mercury in number of products and processes. कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर, ठीक है, लेकिन आजकल थर्मोमीटर जगह डिजिटल आ गया है ना, लिक्विड पे जो मर्कुरी की जगह भी दूसरा आ गया, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हाँ, लेबलर, राइट,
और भी यूज है, बैटरी, इन बैटरी ऑल्सो वी यूज, देन मर्कुरी इज ऑल्सो यूज अमालगम्स, राइट. मर्कुरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड आर्टिसन, गोल्ड आर्टिसन. अगर गोल्ड जो मेकिंग होता है ना वहाँ पर, वहाँ भी मर्कुरी यूज होता है. तो मर्कुरी कई जगह पे यूज हो रहा है. बैरोमीटर, यू नो बैरोमीटर, व्हाट इज बैरोमीटर? प्रेशर, प्रेशर मेजरमेंट, वी यूज द बैरोमीटर, मर्कुरी बैरोमीटर. इवन इफ यू लुक एट हेल्थ केयर, नॉट ओनली थर्मो क्लिनिकल मर्कुरी थर्मोमीटर, नाउ यू नो द बीपी स्पिग्मो मैनोमीटर, ऑल दो, हाँ ऑल दो डिजिटल आर देयर. अभी भी आप देखिए, अगर आपने डिजिटल थर्मोमीटर लिखा हो, लिया होगा, खराब कितनी बार हो जाता है, होता है ना, कभी रीडिंग गलत होता है, पता चला कि 106 बुखार. डिजिटल आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक देयर. व्हाट वी डू, वी अगेन स्टिल रिलाई ऑन द मर्कुरी वन, राइट, स्टिल गो बैक टू द मर्कुरी. इफ लुक एट बीपी मेजरमेंट नाउडेज बाजार मार्केट, योर बीपी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑल्सो इन होम, यू कैन मेजर योर बीपी एवरी टाइम, बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग देयर यू विल स्टार्ट ईटिंग टैबलेट देयर, अरे बीपी बढ़ा हुआ है, दवाई खाओ, ठीक है. बट स्टिल यू नो द बेस्ट रिलायबल वन इज दैट वन. सबका हुआ है ना, बीपी चेक देखा ना, वो रैप करते हैं टाइट, एंड देन दे विल, देन दे विल टेक द पल्स. And then you will see that nurse or will have a mercury one this, and will see that rise in the mercury column with the pulse. We'll put a stethoscope, pulse and this part, and we'll count the. So what is the normal BP of man? 80 and 120. So which is called systole, which is called diastole? Systolic pressure, diastolic. Huh? हायर जो है 120 वो डायस्टॉल है या सिस्टॉल है? सिस्टॉल है, ये डायस्टॉल है. देखो अब आ गया, बायोलॉजी आ गया ना, साइंस आ गया, हार्ट, ह्यूमन हार्ट. सी व्हेन द सिस्टॉल हैपेंस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस वेंट्रिकल, सो ब्लड मूव्स विद हाई प्रेशर. सो 120 इज सिस्टॉलिक प्रेशर. व्हेन द वेंट्रिकल रिलैक्स, right, when the relaxation phase, this is called diastole. That's you have a lower one, 80. You may have plus minus. होता है कई बार सिचुएशन गंभीर हो जाते हैं, तो ये नहीं कि बस अरे मेरा बीपी बढ़ गया दवाई, ऐसा नहीं खाना है. कहाँ कहाँ सिचुएशन गंभीर होता है बताओ. अब आप जा रहे हो रास्ते में, अचानक कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, You are surrounded by dogs. दिल की धड़कन टक टक टक, अब क्या होगा? आजकल कुत्ता बड़ा चर्चा में है ना, कुत्ता बड़े चर्चा में है. कई कुत्ते घूमते रहते हैं सड़कों में, तो संभल के चलना उसमें, है ना. कहीं पता चला अकेले में कुत्तों ने घेर लिया, है ना, तो आजकल वो चीज़ है. या कई बार क्या होता है, रात के अंधेरे में, रात को 12-1 बजे मस्त खा पी के एकदम पूरा दम झूमते जामते, राइट. कई बार होता है पार्टी टाइम, घूमते घामते जा रहे हैं, अंधेरा पूरा रास्ता अंधेरा, ठीक है, और सामने से है ना जाते हुए अंधेरे में शमशान घाट सामने, दम कब्रिस्तान सामने, दिल की धड़कन अब क्या करें, अब क्या करें. अब पीछे से कोई बोलता है, भाई साहब माचिस है क्या? अब वो जो मूवी देखा ना, ओ स्त्री कल आना, उसका डायलॉग पता है क्या बोला पंकज त्रिपाठी ने, उसमें क्या बोलते हैं वो, कि अगर स्त्री ने बुलाया बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ना, तुरंत चप्पल उठा के भागना, यही है ना. तो ये चीज़ है. तो उस समय बीपी क्या होगा? नॉर्मल नहीं रहेगा, बीपी अब नॉर्मल होगा, राइट. तो सिचुएशनल थिंग हैपेंस देयर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अवर इमोशन, है ना. कई भी इमोशन पे भी बहुत डिपेंड करता है, कुछ अच्छी चीज़ दिख जाए तो बीपी अच्छे भी वो हाई हो जाता है ना, यू ऑल यू नो दैट. तो बट नॉर्मल इज 80 एंड 120, बट इफ इन अ नॉर्मल सिचुएशन देर इज कमिंग हाउ मच 135-140 द हायर साइड, राइट. लोअर साइड 90-100, देन यू आर एट रिस्क, यू आर एट रिस्क. और मैं इसे बता रहा हूँ पर्टिकुलरली ऑल,
यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी खतरनाक एग्जाम, यहाँ बीपी का बढ़ना ही है। ये एग्ज़ाम ऐसा है ना, बीपी बढ़ा ही देता है, और पर्टिकुलरली वन वीक बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम एंड द मेन एग्जाम। आप कितना भी कर लो, योर बीपी विल नॉट गो डाउन। इट्स वेरी टफ एग्जाम ना, यू इज वेरी टफ एग्जाम, यूर इन टेंशन, कंप्लीट स्ट्रेस, अब क्या करें, अब क्या करें, कहीं नहीं हुआ प्रीलिम्स तो, इफ आई डोंट क्वालिफाई द एग्जाम, तो इन दो सिचुएशन। बट इफ इट बिकम्स कंटिन्यूअस रेगुलर वन, देन यू हैव टू बी केयरफुल, एंड द स्टूडेंट्स हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ बीपी, सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, तो विल डू वन थिंग, विल टेक अ ब्रेक हियर, एंड आफ्टर ब्रेक व्हाट आई डू अगेन, आई इज इट ओके दैट द वे आई एम डूइंग द रिविजन, हाँ, द सेम वे आई कीप ऑन रिवाइजिंग द कंसेप्ट्स, ऑलराइट, सो एटलीस्ट यू विल हैव द नॉलेज ऑफ दोज। हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू अपीयर दिस ईयर एग्जाम, जस्ट रेज योर हैंड, नो वी वेरी वेरी ओपन एंड फ्रेंकली आई वॉन्ट टू नो, मैं पूरा हाथ उठाओ ना, हाँ कंप्लीट है, ठीक है, डोंट वरी, यू हैव ऑल कवर्ड दोज कंसेप्ट, ये जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, यू हैव कवर्ड द दोज हैव गोइंग टू अपीयर द एग्जाम, यू नो ऑल दिस, नो बिकॉज वाई एम आस्किंग दोज वन, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू अपीयर दिस एग्जाम एंड इफ यू थिंक दैट it should not be your waste of the time, I mean to say, then I'll focus on the relevant topics of prelims exam, or I can do something, I can go to the relevant topics of prelims exam this year, and with that context I can revise the concept, right? And those who are going to appear in 2024 exam, don't worry, I will be coming for classes, we are going to learn all this in detailed way. ये तो झलक दिखला जाए, right? वो उसका प्रॉपर करेंगे हम लोग, है ना, तो वैसा ही करते हैं, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में करता हूँ, पर्टिकुलर फॉर द एग्जाम, आई फोकस ऑन दैट, ठीक है। सो हाउ मच टाइम यू वांट टू टेक अ ब्रेक, है ना, आराम से बन मस्का पाओ, चाय भाजी जो भी है खा के, टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम यू रिक्वायर लॉट ऑफ यू नो एनर्जी, फूड चेन फूड वेब, तो यू कैन हैव दैट। और अभी अब वहाँ पर वड़ा पाव वाले के पास जाकर नहीं पूछना कितने कैलोरी है इसमें, वो चेहरा देखेगा क्या पूछ रहा है कैलोरी है।